अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त, कैसी तबीयत है। ये हमारे मुबशिर साहब स्टीम प्रेस पे आज लगे हुए हैं माशाल्लाह से, और ये लेडीज़ कपड़े स्टीम प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। हाँ मुबशिर साहब, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं जी। हैं, क्या हुआ आपको, क्या मसला हो गया, आप क्यों इतने थके हुए हैं? काम इतना करवाते हो आप? हाँ बहुत काम करवाता हूँ। ओए 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 ओए, इतनी सी जान है ये? जान पबजी खेलते हुए तो नहीं ख़राब होती, इस्त्री करते हुए ख़राब हो जाती है? कमर में भी दर्द इस्त्री करने से होता है? हाँ पबजी खेलते हुए नहीं होता? हाँ आवारा गर्दियाँ करते हुए नहीं होता? बाइक का पेट्रोल ख़त्म करते हुए होता है दर्द? होता है, बोलें, जवाब दें। बहुत ज़्यादा होता है। और इस्त्री करते हुए? ओए होए, ये हमारे मुबशिर साहब माशाल्लाह से स्टीम प्रेस कर रहे हैं। देखें ये कैसे स्टीम निकल रही है, वीआईपी वाली। कितने कपड़े बन गए हैं ये देखें, सारे कपड़े आज हमने स्टीम प्रेस कराए हैं मुबशिर साहब से। ये ऑल ओवर, ये पीछे सारा काम आज मुबशिर साहब ने किया है, ये हमारे बिलाल साहब ने किया है। हाँ जी मुबशिर साहब, अब बताएं कितनी देर में एक सूट कर लेते हैं आप? 20 मिनट में भाईजान। कितने मिनट में? 20 मिनट में। हाँ करके दिखाएं, हम भी तो देखें आप कितनी देर में एक सूट करते हैं। अच्छा आज क्या क्या फ्रॉडबाजियाँ की आपने, क्यों बताएं तो सही। आज आप भाग गए थे फिर वापस आ गए। अच्छा जी मुबशिर साहब, फिर कितने कपड़े रह गए? दो सूट और रह गए फैंसी, उसके बाद हमारी हो जाएगी छुट्टी। फिर क्या करेंगे, फिर तबीयत सही हो जाएगी, फिर हम घर चले जाएंगे तबीयत सही करने के। और फिर सही हो जाएगी, फिर कल सुबह आ जाएंगे दुकान खोलने। अच्छा ये आप क्या है, लेडी सूट है क्या है? जी ये लेडी सूट का ट्राउजर बना रहा हूँ मैं। ओह शाबाश, क्रीस वाला है सादा? ये क्रीस, क्रीस वाला क्रीस बना रहे हैं आप इसके, जबरदस्त। बोलो नीचे से पानी भर के दे दो, हमने वो चल डालना उसमें, स्टीम प्रेस में डालना। भर देगा उसमें, पहले भी मुझे भर के दीजिए। जबरदस्त VIP।
They were charging their clients 9 bucks an hour, 15 or 17 bucks an hour. So I started thinking about it, like, man, if I went out on my own, even if I charged $30 an hour, which seemed like a crazy amount of money to make at the time, I knew I would already be so much more successful and happier and would have time to build the type of life that I wanted. I was miserable running from daycare to work to try to get home and have any time with my partner. And it wasn't until I finally started my own business that I realized that didn't want to work for anybody else. Now that I've finished this world, I know. I'm meant to be an employee, but it wasn't always something that was good. I was doing it all अच्छा जी मुबशीर साहब, ये क्या है? ये है लेडीज कमीज। ये स्टीम निकलते हुए कितनी इंच आ रहा है? Anybody else?